के तो चले एक नई वीडियो शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो शुरुआत आध्यात्म नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थ नगरी हरिद्वार से महांगा के दर्शन साथ तो हो ही रही है और साथ साथ आज एक नए और काफ़ी खूबसूरत घाट से हो रही है जो कि नया और सबसे सुंदर घाट हरिद्वार का है और सबसे नया घाट है अमरापुर घाट। तो हम अमरापुर घाट पर है। अमरापुर घाट से हम हरकी पैड़ी तक जाने वाले हैं और हरकी पैड़ी तक यहाँ से दिखाते हैं आपको कि कितने सारे घाट बीच में पड़ते हैं, कौन कौन से घाट पड़ते हैं और आप कब यहाँ पर आ सकते हैं और भीड़ कैसी इन घाटों पर रहने वाली है वो भी आपको दिखाते हैं आज की वीडियो में। तो बने रहेगा एंड तक, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो अमरापुर घाट की मैं बात करूँ तो अमरापुर घाट की सबसे बड़ी पहचान जो है आपको महादेव जी की प्रतिमा एक तरफ और दूसरी तरफ जो है भागीरथ जी की प्रतिमा दिखेगी। और ये घाट बिल्कुल शंकराचार्य चौक के पास में है, सामने शंकराचार्य चौक, दिल्ली हरिद्वार हाईवे, दिल्ली ऋषिकेश हाईवे, तो बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पर आप आ सकते हैं कभी भी। और घाट दिखाते हैं आपको, घाट कितना सारा खूबसूरत सा घाट है। यहाँ पर थोड़ा बहुत काम चल रहा है अभी ऊपर। और ये घाट जो है 2021 में बना, तो विसर्जन जो गणपति बप्पा विसर्जन अभी चल रहा है, शायद वही लोग हैं। घाट आप देखते हैं बड़ा ही खूबसूरत सा घाट है, घाटों की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। और घाट पर एक चीज़ हमें बड़ी अच्छी लगती है, यहाँ पर सेफ्टी रेलिंग का पूरा ध्यान है। तो आप कभी आइए यहाँ पर, आप आ सकते हैं। एक तो हाईवे के नज़दीक है, ऊपर से सेफ्टी रेलिंग भी यहाँ पर है और बगल में एक छोटा सा पार्क भी है। तो एक पार्क में भी ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं वहाँ से भी खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे। बिल्कुल बिना किसी देरी के चलते हैं पार्क की तरफ, पार्क को भी आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा कैसा है। और वहाँ पर जो है भागीरथ जी की प्रतिमा लगी हुई है वो भी दिखा देते हैं। इस घाट की दो पहचान है, एक तरफ महादेव जी की प्रतिमा आपको दिखेगी हाईवे पर सबसे पहले और इस तरफ दामकोटी के बगल में बिल्कुल घाट है, दामकोटी के बगल में भागीरथ जी की प्रतिमा आपको दिखेगी। और काफ़ी खूबसूरत घाट है, स्वच्छ घाट है, सफाई भी हमें काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे पार्क में पहुँच चुके हैं, यहाँ पर आपको हरी घास धूप देखने को मिलेगी। इस पर लोग सुबह सुबह चलते हैं और शाम के टाइम यहाँ पर भीड़ रहती है थोड़ी सी। यहाँ पर घाट पर आपको कपड़े चेंज करने के लिए साथ साथ वॉशरूम भी मिल जाएगा। और यहाँ पर थोड़ी बहुत हमें एक्सरसाइज वाली जो छोटी मोटी चीज़ें हैं पैर की एक्सरसाइज की वो है, और छोटा वाला झूला जो भी दोनों तरफ बैठकर पैर की। और बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है, स्वच्छ साफ, सबसे बड़ी बात यह है कि साफ है बिल्कुल। और सामने अगर आप देखेंगे तो भागीरथी जी की प्रतिमा आपको दिखेगी। और रात को ये घाट और भी अच्छा दिखता है जब लाइटिंग हो जाती है। तो अगर रात को भी आना हुआ तो हम दिखाएंगे आपको। अगर आपको इस घाट की पूरी वीडियो चाहिए डिटेल में तो कमेंट कीजिए। अभी हम चलते हैं दूसरे घाट पर, अपने दूसरे घाट पर चलते हैं और वहाँ से आपको दृश्य दिखाते हैं दूसरे घाट से और सीधा हरकी पैड़ी पर फिर निकलते हैं वहाँ से। हम पहुँच चुके हैं अपनी दूसरी लोकेशन पर, अमरापुर घाट के बाद हम पहुँच चुके हैं ओम घाट पर, ओम सेतु पर। अभी हमें ओम पुल पर हम चल रहे हैं और बड़ा ही खूबसूरत सा घाट है, बड़ा ही सुंदर यहाँ का नज़ारा होता है और बहुत सारे लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। अभी आप मेरे इस तरफ पीछे देखेंगे तो घाट पर बहुत सारे लोग महांगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो दिखाते हैं इस घाट को, इस घाट पर क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी वो भी दिखाते हैं और इसके बाद निकलते हैं दूसरी लोकेशन पर अपनी तीसरी। चलिए फिर दिखाते हैं आपको। बिल्कुल अभी हम थे अमरापुर घाट पर, भागीरथी जी की प्रतिमा आपको यहाँ से भी दिख रही होगी वहाँ पर। और अभी हम ओम सेतु पर हैं, ओम सेतु के ऊपर। और यहाँ पर इस तरफ घाट पर अगर आप देखेंगे तो आपको अभी भी कुछ श्रद्धालु स्नान करते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर जो बाइक वाइक हैं वो भी आ रखी हैं। तो ये बिल्कुल हाईवे के नज़दीक हैं ये दोनों घाट। इस तरफ भी आप देख सकते हैं, इस तरफ भी पूरा स्नान करने के लिए है, सेफ्टी रेलिंग है और सेफ्टी रेलिंग के अंदर ही अभी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं क्योंकि जल बहुत ज़्यादा अभी है, इतना जल है कि आप सेफ्टी रेलिंग के अंदर स्नान कीजिए। और बाइक देखते हैं आप, ओम सेतु के ऊपर भी चल रही हैं। इस तरफ भी हमें कुछ श्रद्धालु दिख रहे हैं स्नान करते हुए और बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा होता है ओम सेतु का। और ये सेतु एक आकर्षण का केंद्र भी है इस घाट के लिए क्योंकि ये सेतु बिना किसी बीम के टिका हुआ है, केवल इन लोहे की रस्सियों के बल पर। पीछे से दिखाते हैं आपको एक बार कैसे दृश्य में दिख रहा है पीछे से। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये ओम बना हुआ है बिल्कुल ऐसे में और ये रस्सियों के दम पर बिल्कुल टिका हुआ है। नीचे आप देखते हैं वहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कोई भी सपोर्ट बीच में आपको नहीं दिखाई देगा और इसी वजह से एक आकर्षण का केंद्र भी है। और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, फ़ोटो क्लिक कराते हैं और साथ साथ यहाँ पर महांगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं क्योंकि बड़ा ही सुंदर सा घाट है और थोड़ा यहाँ पर भीड़ भी कम रहती है। यहाँ पर भीड़ तभी हमें देखने को मिलती है जब बहुत ज़्यादा रश होता है या बहुत ज़्यादा श्रद्धालु हरिद्वार में होते हैं, जैसे सावन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखती है। बाकी आप देखते हैं हाईवे के नज़दीक है तो आप आ सकते हैं, अगर आप आ रहे हैं हरिद्वार तो एक बार यहाँ भी विजिट कीजिए। और सामने अगर हम आपको दिखाएं तो ये है राज्य अतिथि गृह है डामकोठी, तो डामकोठी के बिल्कुल बगल में ये घाट है ओम घाट।
बड़ा ही खूबसूरत सा घाट है। यहाँ से आपको माँ मनसा देवी का मंदिर भी दिखाई देगा और बड़ा ही खूबसूरत इस तरह पेड़ वेड़ भी हैं, तो बड़ा अच्छा यहाँ पर लगता है इस घाट पर। तो आइए हरिद्वार और इन सभी घाटों पर आइए, खूबसूरत खूबसूरत घाटों पर आइए। और इन घाटों के जो रेलवे स्टेशन से दूरी है वो मात्र 2 किलोमीटर भी नहीं होगी, 2 किलोमीटर के आसपास ही है अमरापुर घाट और ओम घाट की। अभी चलते हैं, तो अभी चलते हैं अपनी तीसरी लोकेशन पर जो कि यहीं से आगे थोड़ा सा है। तो आपको बिरला घाट पर हम मिलते हैं, बिरला घाट से दृश्य दिखाते हैं और बिरला घाट घाट के माध्यम से हम सीधा जाने वाले हैं हत्ती पैड़ी पर, दिखाते हैं वहाँ से दृश्य नज़ारे। अभी हम पहुँच गए अपनी तीसरी लोकेशन पे ललतारा पुल पे, और ललतारा पुल से बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा हमें दिखता है। और सबसे पुराना पुल ये है और यहाँ से हरकी पैड़ी की दूरी अभी पता करते हैं कितनी है, 15 मिनट का रास्ता लगभग है। यहाँ से दिखाते हैं आपको बिल्कुल एक खूबसूरत सा नज़ारा है ललतारा पुल, ललतारा पुल से जो घाट का है बिरला घाट का वो दिखाते हैं। ये घाट आप देखते हैं बड़ा ही खूबसूरत सा घाट है, और जो ये है चंडी चौक के बिल्कुल पास में है। आप ऊपर हाईवे देख पा रहे होंगे, ये चंडी चौक है, चंडी चौक के बिल्कुल पास में जो है ये घाट है बिरला घाट। सामने भी देख सकते हैं इस तरफ भी ये घाट है, यहाँ पर भी आप मांगा में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं और इस तरफ भी। और ये भी आप देखते हैं सेफ्टी रेलिंग, बिल्कुल हर जगह हमें सेफ्टी रेलिंग देखने को मिल रही है, तो सेफ्टी रेलिंग के अंदर ही स्नान कीजिए। बाकी आगे चलते हैं अपने आगे वाले घाटों पर और वहाँ से भी दृश्य नज़ारे दिखाते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा ये घाट है और बड़ा ही खूबसूरत सा यहाँ का नज़ारा है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर है, अब पहचान के लिए हमें एक और चीज़ दिखती है, वो है त्रिशूल, जो बिरला घाट को और ललतारा पुल को और अच्छा और सुंदर बना देता है। तो यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, अभी भी आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे श्रद्धालु अभी भी मांगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो बिल्कुल अभी हम पुल पर थे और पुल के बाद अभी हम आ चुके हैं घाट पर, जो मांगा के जीते हुए दर्शन आप कर सकते हैं। और बड़ा ही खूबसूरत सा ये घाट हमें दिख रहा है और बड़ा ही अच्छा यहाँ से नज़ारा है। अभी हम यहाँ पर पुल पर थे ललतारा पुल पर, अभी आप घाट से देखिए बड़ा ही खूबसूरत इस तरफ आपको त्रिशूल दिखेगा, सामने मंदिर और ये नीचे मांगा का निर्मल जल बहता हुआ। और घाट पर आप श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं, और इस घाट पर हमें ऐसे ही हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ जो है दिखती है, क्योंकि ये घाट हाईवे के नज़दीक है, चंडी चौक के नज़दीक है, ललतारा पुल के नज़दीक है, बस स्टेशन से भी नज़दीक है और रेलवे स्टेशन बस स्टेशन दोनों से बहुत नज़दीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और ज़्यादातर ऑटो वाले जो है यहीं पर छोड़ जाते हैं चंडी चौक पर सभी को, और वो इसके बाद यहाँ पर मांगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुँच जाते हैं। घाट आप देखते हैं इस तरफ भी पूरा फुल है बिरला घाट। अभी आगे चलते हैं घाटी घाट से और देखते हैं आगे क्या क्या नज़ारा है, क्या दृश्य आगे के हैं, और सीधा हरकी पैड़ी पर इसके बाद हम निकलेंगे घाटी घाट होते हुए। थोड़ा सा वीडियो, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी पर देखिए एंड तक। अपनी चौथी लोकेशन पर पहुँच चुके हैं विष्णु घाट पर, विष्णु घाट वाले पुल पर हम अभी हैं। पीछे बहुत जगह आपको एक बार मांगा का निर्मल जल देखने को मिलेगा। और विष्णु घाट के बारे में बताते हैं आपको थोड़ा सा, विष्णु घाट कैसा है। तो सबसे पहले हम बताते हैं इस तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये हाईवे है, और यहाँ पर ऑटो वगैरह आपको हर चीज़ यहाँ तक आपको छोड़ जाएगी। बाकी अगर आप ललतारा पुल चाहते हैं, ललतारा पुल भी ठीक सामने आपको दिख रहा होगा त्रिशूल ललतारा पुल, तो 5 मिनट का रास्ता वहाँ से है। और ये बड़ा ही खूबसूरत यहाँ से जो है मार्केट के लिए भी रास्ता जाता है मोती बाजार के लिए। ये विष्णु घाट है, विष्णु घाट बड़ा ही खूबसूरत, सामने वाला जो पुल आप देख रहे हैं, ये सामने वाला जो पुल आप देख रहे हैं वो हाथी पुल है, और इस तरफ वाला ये पूरा विष्णु घाट। और हरिद्वार के हर घाट पर लगभग आपको सेफ्टी रेलिंग मिलेगी। थोड़ी सी हमें इस घाट पर ज़्यादा गंदगी देखने को मिल रही है, यहाँ पर पुल के नीचे तो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पर पूरा गंदगी देखने को मिल रही है घाट पर। तो ऐसा कुछ विष्णु घाट पर है अभी दृश्य, और बड़ा ही खूबसूरत। और हरिद्वार के लगभग हर घाट से आपको माँ मनसा देवी का मंदिर दिखाई देगा, तो जय माता दी जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक ठीक है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं, ज़्यादा बुरा भी नहीं कहेंगे हम। बाकी बस गंदगी थोड़ी सी हमें दिखती है, तो हम उस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं कि गंदगी है जो कि दिख रहा है कैमरे में, आप देख सकते हैं यहाँ पर पुल के नीचे तो चलने तक का बस की बात नहीं है भाई, इतनी ज़्यादा गंदगी पुल के नीचे हमें देखने को मिल रही है। बाकी आगे चलते हैं हरकी पैड़ी पर, थोड़ा सा हरकी पैड़ी रह चुका है यहाँ से, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ से आपको दृश्य दिखाते हैं। तो अभी हम पहुँच गए अपनी पाँचवीं लोकेशन पर जो है हाथी पुल, हाथी पुल पर अभी हमें, और हाथी पुल से शिवघाट के बड़े खूबसूरत से नज़ारे हमें दिख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ आज हमें दिख रही है। दिखाते हैं वो दृश्य, इस तरफ आप देखते हैं ये गौ घाट, सुभाष घाट और शिव घाट, बहुत ज़्यादा भीड़ अभी भी, आज शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार को है। हाथी पुल पर अगर आप देखेंगे तो हाथी पुल पर भी बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं जा रहे हैं लगातार। तो ये पाँचवीं लोकेशन थी हमारी, और आपको जिस भी लोकेशन की वीडियो डिटेल में चाहिए आप बता सकते हैं, अमरापुर घाट से लेकर किसी भी घाट के अगर आपको वीडियो
पूरी देखनी है तो कमेंट कीजिएगा और हम उस घाट की वीडियो पूरी बनाएंगे और उस घाट में क्या क्या सुविधाएं हैं पूरी डिटेल में बताएंगे। कि आज तो ऊपर से हमने एक मिनट में लगभग पूरा घाट कवर किया है तो बाद में उसको पूरा कवर करेंगे जितना भी टाइम लगे। अभी आप देखते हैं हम पहुंच चुके हैं विश्वख्यात अर्की पैड़ी पर पहुंचने वाले हैं, ये सामने वाला शिव पुल। इसके बाद बिल्कुल अगर घंटाघर आप देख पा रहे हैं तो घंटाघर हमें यहाँ से दिख रहा है तो वहाँ पर हम चलेंगे और वहाँ से वीडियो को एंड करेंगे, वहाँ से आपको दृश्य दिखाएंगे आज के। अपनी छठवीं लोकेशन और लास्ट लोकेशन पर जो कि है विश्वख्यात अर्की पैड़ी। अर्की पैड़ी पर अभी हमें विश्वख्यात अर्की पैड़ी पर माँ गंगा के दिव्य दर्शन आपको करवा रहे हैं। दिखाते हैं आज के नज़ारे आपको, बड़े ही खतरनाक से आज के नज़ारे हैं। शुक्रवार का दिन है और पूर्णिमा का जो स्नान है वो चल रहा है और पूर्णिमा के स्नान पर ये देखिए आप घाट कैसे भरे हुए हैं। घाटों पर पैर रखने तक की जगह नहीं है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से बिल्कुल खचाखच घाट भरे हुए हैं सभी। इस तरफ वाले हों चाहे उस तरफ कोई भी घाट आप उठाकर देख लीजिए, इतने सारे श्रद्धालु आज पहुँचे हैं हरिद्वार। तो ऐसे ही कुछ दृश्य हमें दिखते हैं जब दो तीन दिन की छुट्टियाँ एक साथ पड़ती हैं, तो अभी भी दो तीन दिन की छुट्टियाँ आगे हैं तो ऐसे ही दृश्य हमें लगातार दिखने वाले हैं। तो चलिए आज करते हैं प्लान करते हैं आए पॉपकॉर्न आज के लिए हो तो इतना तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और चैनल को मिलते हैं तो किसी ने बोला तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय जय हिंद हर हर महादेव जय महादेव।